नमस्कार मैं शशि आइए झारखंड के टॉप पच्चीस झारखंड पुलिस में दरोगा सार्जेंट मेजर और समकक्ष के 946 पदों पर होगी बहाली झारखंड पुलिस में दरोगा सार्जेंट मेजर और समकक्ष कंपनी कमांडर के रिक्त 946 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को गृह विभाग ने जे एस एस को भेज दिया अब जे के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए ज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा जाएगा बता दें झारखंड के पूर्व डीजीपी जी नीरज सिन्हा के समय यह प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा था फिर गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को जे को भेज दिया था लेकिन नियोजन नीति में बदलाव होने के कारण जे ने पुलिस मुख्यालय से नए नियम के तहत संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा था इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने नए नियोजन नीति के तहत संशोधित प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा था जिसे गृह विभाग ने जे को भेज दिया अब जे द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के पूर्व की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है बता दें झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहां पर दरोगा व समकक्ष पदों पर पहली बार 2012 में तीन पदों पर व दो में पच्चीस पदों पर डायरेक्ट बहाली हुई थी झारखंड में बढ़ते तापमान के कारण लोग गर्मी से बेहाल हैं मौसम विभाग के अनुसार 16 अप्रैल तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी झारखंड के कुछ इलाकों में तापमान तैंतालीस डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है बता दें झारखंड के चाईबासा में सबसे अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं उसके बाद डाल्टनगंज में बयालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है इसी बीच राहत भरी खबर आ रही है कि विभाग का पूर्वानुमान है 19 और 20 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी भागों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है इधर 16 से 18 अप्रैल तक झारखंड के कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे ऐसे में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन सचिवालय घेराव मामला भाजपा ने 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव के दौरान हुई लाठीचार्ज व पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन से की है शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य सभा सदस्य दीपक प्रकाश के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर इसे लेकर ज्ञापन सौंपा राज्यपाल से मिलने वालों में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय एवं प्रदीप वर्मा शामिल थे भाजपा नेताओं ने अपने ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश भाजपा ने कई संगठनिक कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार की नाकामियों और जन विरोधी नीतियों को उजागर किया है इस क्रम में पार्टी ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की घोषणा की थी लेकिन हेमंत सरकार भाजपा के आंदोलन से डरी और सहमी है इसलिए भाजपा के हर आंदोलन को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कुचलने की कोशिश करती रही है टाटा मोटर्स में निकली अप्रेंटिसशिप की बहाली टाटा मोटर्स कंपनी जमशेदपुर प्लांट में जल्द ही अप्रेंटिसशिप की बहाली निकलेगी शनिवार को टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन प्रांगण में कमेटी मीटिंग को संबोधित करते हुए महामंत्री आर के सिंह ने इसकी जानकारी यूनियन सदस्यों को दी है उन्होंने कहा है कि कई क्षेत्र में कार्य हो रहा है जल्द ही टाटा मोटर्स में अप्रेंटिसशिप में बहाली निकलने वाली है कोरोना संक्रमण की वजह से टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में अप्रेंटिसशिप की बहाली नहीं निकली थी महामंत्री आर के सिंह ने सभी सदस्यों से अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ टाउनशिप मेडिकल सहित तमाम समस्याओं का उल्लेख और चर्चा करने का प्रस्ताव रहा जिसके बाद कमेटी मीटिंग में सदस्यों ने कई सुझाव बारी बारी से अपने अपने क्षेत्र की रखी बैठक में यूनियन के कोषाध्यक्ष एस एन सिंह ने अस्थायी कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर रहने के लिए टेलको कंपनी में क्वार्टर मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा है झारखंड के किसानों के खाते में आया पीएम फसल बीमा का पैसा तोरपा प्रखंड के सैकड़ों किसानों के खाते में अचानक पैसा आने लगा किसी के खाते में दो लाख तो किसी के खाते में छियासठ हजार से लेकर सबसे कम बाईस हजार रुपये तक आया है खाते में पैसा आने का मैसेज मोबाइल में आया तो पहले किसानों को विश्वास नहीं हुआ उन्हें लगा कि साइबर क्राइम वाले झूठा मैसेज भेज रहे हैं कई किसान बैंक में पहुँचे तो उन्हें सही में पैसा आने की जानकारी मिली है जिसके बाद बैंकों में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी सभी अकाउंट चेक करने पहुंचे बाद में जानकारी मिली कि पीएम फसल बीमा का पैसा किसानों के खाते में आया है बता दें किसानों का खरीफ 2018 से लेकर रबी 2019-20 तक का पैसा बीमा कंपनी की ओर से किसानों के अकाउंट में भेजा गया है पैसा पाकर किसान काफ़ी खुश हैं किसानों का कहना था कि 2018 में बीमा कराया था तीन साल तक पैसा नहीं मिलने से उम्मीद छोड़ दी थी कई किसान तो बीमा कराने की बात भूल भी गए थे अचानक पैसा आने से किसान काफ़ी खुश हैं झारखंड में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग झारखंड में चढ़ते पारा के साथ बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है इस समय डीवीसी कमांड एरिया वाले सातों जिलों को शामिल कर पूरे राज्य में बिजली की मांग 2800 मेगावाट हो गई है मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण दोपहर के समय 200 से 400 मेगावाट की लोड शेडिंग हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद शाम के व्यस्त समय के दौरान एक्सचेंज से करीब तीन मेगावाट अतिरिक्त बिजली का प्रबंधन किया गया बता दें झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारियों का मानना है कि राज्य में अगले कुछ दिनों में बिजली की मांग तीन हज़ार मेगावाट पहुंच जाएगी अब इस हिस्से से इंतजाम किया जाएगा एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली का इंतजाम कर मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है गढ़वा में कैंसर जागरूकता पर कार्यशाला गढ़वा सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन के सभागार में शनिवार को कैंसर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें कैंसर के कारण बचाव और प्रारंभिक लक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई सदर अस्पताल के चिकित्सकों के अलावा जिले के आयुष चिकित्सक को प्रशिक्षण दिया गया मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार व सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह भी उपस्थित थे बता दें कार्यशाला में बतौर प्रशिक छक पीएमसीएच पटना के पैथोलॉजी विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप कुमार आई एम्स पटना के रेडियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सुमन तथा पारस हॉस्पिटल पटना के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर एन टैगोर शामिल हुए मौके पर प्रशिक्षकों ने कहा है कि देश में पचास प्रतिशत कैंसर को रोका जा सकता है जो तंबाकू के सेवन से होता है ए सी की जमीन लूटी जा रही सरकार वापस दिलाएगी चंपाई सोरेन झारखंड के आदिवासी कल्याण व परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में एस सी की जमीन लूटी जा रही है आदिवासियों की जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री की जा रही है उनकी सरकार आदिवासियों की जमीन वापस दिलाएगी वे शनिवार को डाल्टनगंज में आदिवासी महासभा के द्वितीय महासम्मेलन में बोल रहे थे चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी परंपरा को बचाने का काम कर रही है जंगल में रहने वाले लोगों को वन पट्टा दिलाया गया अब एस सी लोगों को निजी कंपनियों में भी नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा उन्होंने कहा है कि खनिज संपदा के मामले में झारखंड अग्रणी राज्य है यहाँ सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में देवघर का जमशेदपुर से आज मुकाबला झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 हज़ार के तहत देवघर स्थित के के एन स्टेडियम को ग्रुप ई का वेन्यू बताया गया रविवार को के के एन स्टेडियम में देवघर का मुकाबला जमशेदपुर से होगा बता दें जमशेदपुर की टीम देवघर पहुंच चुकी है इधर देवघर की टीम ने शाम के समय मीटिंग कर रणनीति बनाई है मैच के आयोजन को लेकर देवघर जिला क्रिकेट संघ के द्वारा स्टेडियम में तैयारी पूरी कर ली गई है ग्रुप ई के तहत सत्रह अप्रैल को देवघर की टीम फिर साहेबगंज से भिड़ेगी गढ़वा में मिला कोरोना मरीज प्रशासन सतर्क गुरुवार को अलग अलग क्षेत्र से कोरोना के चार पॉजिटिव मामले मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड मरीज़ के इलाज के लिए सभी तरह की तैयारी रखने का निर्देश दिया है इस चार मामलों में किसी भी मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी इसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव मिलने पर स्वास्थ्य विभाग अचंभित है संक्रमितों में से एक भवनाथपुर की छात्रा थी जो रोज़ ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी झारखंड फ्री बिजली योजना बिजली विभाग की लापरवाही बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा बिजली उपभोक्ता भुगत रहे हैं विभाग द्वारा एजेंसी के जरिए नियुक्त ऊर्जा मित्र पिछले डेढ़ दो माह से काम नहीं कर रहे हैं मीटर रीडिंग नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली बिल की जानकारी नहीं मिल पा रही है इसके साथ ही विभाग द्वारा कार्रवाई का भी डर सता रहा है घरों का बिजली बिल समय पर जेनरेट नहीं होने के कारण उपभोक्ता सरकार की सब्सिडी योजना से भी वंचित हो रहे हैं और उन पर बिल का बोझ भी बढ़ रहा है एक तरफ विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को बकाया जमा करने और ऐसा नहीं पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं वहीं दूसरी तरफ विभाग द्वारा ही मीटर रीडिंग में देरी कर उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर किया जा रहा है बता दें समय पर बिल जेनरेट नहीं होने से उपभोक्ताओं में विभागीय अधिकारियों के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत का दावा 2024 दो में दोनों चुनाव जीतेंगे झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीतेगी और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि हम दोनों चुनाव जीतेंगे केंद्र में भी सरकार बनाएंगे और झारखंड में भी सरकार बनाएंगे चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये बातें संवाददाता सम्मेलन में कही है उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सदस्यता पर भी खुलकर अपनी विचारें रखी है दहेज हत्या मामले में तेनू घाट की अदालत ने सुनाई दस दस साल की सजा बोकारो के तेनुघाट में दहेज हत्या के एक मामले में मृतका की सास और सौतन को दस दस साल को सश्रम कारावास की सजा मिली है चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत खरना निवासी देवी और रीता देवी को यह सजा तेनूघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने सुनाई ये मामला दो का है हाँ बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए मृतका को परेशान किया जा रहा था प्रताड़ित किया जा रहा था एक दिन उनकी हत्या भी कर दी गई जिसके बाद मृतका के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया था जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना अंतर्गत होलांग निवासी चूरामन महतो ने चट्टी थाना में उनतीस अक्टूबर दो को दहेज के लिए उसकी बेटी ललिता कुमारी की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा में पैंतीस विद्यार्थियों ने लिया था हिस्सा दीपक कुमार लातेहार टॉपर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है मेरिट लिस्ट में लातेहार के दीपक कुमार पिता परिहार भुइया ने कक्षा छः में स्टेट टॉपर होने का गौरव हासिल किया है जबकि राजकीय कृत मध्य विद्यालय बाजार का ही छात्रा दीक्षा कुमारी कक्षा आठ में जिला टॉपर बनी है हजारीबाग झील का पानी पीने लायक नहीं हजारीबाग झील का पानी पीने लायक नहीं है पेयजल स्वच्छता विभाग ने झील का पानी जांच के बाद यह खुलासा हुआ है झील के पानी को 15 अप्रैल 2023 को जांच के लिए दिया गया था पेयजल स्वच्छता विभाग ने जांच कर पानी का जो रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार पानी में टर्भी टी टी बढ़ा हुआ है टोटल एल्केनिटी कैल्शियम कार्बोनेट लिमिट मात्रा से कम है कैल्शियम मैग्नीशियम होटल हार्डनेस में भी गिरावट आया है बता दें पानी के सुगंध की जांच में भी पाया गया है कि पानी में काफ़ी बदबू है जांच में पाया गया है कि पानी में पीएच 8.04 से 8.12 है टर्भी टी टी बारह से 14 एन है एल्किनिटी कैल्शियम कार्बोनेट एक से एक मिलीग्राम प्रति लीटर है देवघर के अंठावन हजार किसानों के खाते में आएगा पैंतीस सौ रुपये मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत देवघर जिले के अतिरिक्त अंठावन हज़ार पाँच सौ पचास किसानों को जल्द मुआवजे के पैसा का भुगतान किया जाएगा जिला सहकारिता कार्यालय के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को किसानों की सूची भेज दी गई है हर किसान को पैंतीस सौ रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाना है फंड के अनुसार अंठावन हज़ार पाँच सौ पचास किसानों की सूची अपर सफहता के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को भेजी गई है एक सप्ताह के अंदर किसानों के खाते में सूखा राहत के पैसे क्रेडिट होने की संभावना है बैंकों को जल्द भुगतान करने का निर्देश भी दिया जा चुका है ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी आसनसोल डिवीजन अंतर्गत जसी स्टेशन को दो हजार इक्कीस बाईस की अपेक्षा रेलवे यात्रियों की संख्या में तीन गुना इजाफा हुआ है इससे रेलवे की आय में भी पांच गुनी बढ़ोतरी हुई है इसके बाद भी जे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा सकती है बता दें रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष दो हज़ार में यात्रियों की संख्या तेरह लाख सैंतालीस हज़ार नौ सौ उन्नीस थी जबकि इस वित्तीय वर्ष दो हज़ार बाईस तेईस में यह संख्या बढ़कर छत्तीस लाख तीन सौ सत्रह हो गई है जिसमें एक सौ सड़सठ पॉइंट एक जीरो फीसदी बढ़ोतरी हुई है वहीं आय की बात करें तो वर्ष इक्कीस बाईस में छः करोड़ तीस लाख उनचालीस हज़ार छः सौ पंचानवे रुपये आय हुई थी जो वित्तीय वर्ष दो हज़ार बाईस तेईस में बढ़कर बत्तीस करोड़ उनतीस लाख चौहत्तर हज़ार एक सौ हो गई है चंदवा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या चंदवा प्रखंड में एक चौथे वर्ग की दलित छात्रा ग्यारह वर्ष के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या का सनसनी खेज मामला प्रकाश में आया है घटना शुक्रवार देर शाम की है जबकि शनिवार की सुबह परिजनों ने बच्ची का शव घर के पीछे खेत में देखा शव के ऊपर एक छोटा पत्थर रखा था सूचना के बाद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची पंचनामा के बाद शव को अंत्य परीक्षण हेतु सदर अस्पताल लातेहार भेजा गया शव देख कर प्रतीत होता है कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है बच्ची गांव में ही मध्य विद्यालय में चौथे वर्ग की छात्रा थी गुमला जिले को मिलेगा पीएम अवार्ड हर साल सिविल सर्विस डे के अवसर पर दिए जाने वाले अति प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड के लिए गुमला जिले को आधिकारिक रूप से चयन हो गया है साथ ही बता दें कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए पीएम के हाथों मिलने वाला है बता दें कि रागी मिशन को नई ऊंचाई देना एनिमिया उल्मान टीवी मुक्त जिला की दिशा में प्रयास दिव्यांगता पहचान एवं दिव्यांग कल्याण के लिए किए गए कार्य पुस्तकालय क्रांति खेल बैंक शिक्षा क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास बाँस शिल्पकारों का प्रशिक्षण एवं संवर्धन ताना भगत समुदाय का बहुयामी योजनाओं से अच्छादना जिला से लेकर पंचायतों तक खेलों को बढ़ावा पंचायतों का डिजिटाइजेशन महिला स्वयं सहायता समूहों को बहुद्देशी कार्यों में लगाना मत्स्य पालन को नए आयाम देना कृषि क्षेत्र में नवाचारी उपयोग को अपनाना जैसे कई कार्यों के लिए इनकी सराहना की जा रही है रविवार को कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह यात्रा का समापन झारखंड में इन दिनों केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ चल रहे कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह यात्रा कार्यक्रम का समापन रविवार यानी 16 अप्रैल को होगा यह या यात्रा 4 अप्रैल से शुरू हुई थी जो झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित करते हुए 1950 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के पश्चात राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में समाप्त होगा सत्याग्रह यात्रा समापन समारोह में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम अलंग स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंत्री संबोधित करेंगे सेना जमीन घोटाला मामला सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है इसे लेकर बीजेपी नेता ने आई अधिकारी छवि रंजन की बर्खास्तगी की मांग की है बता दें ईडी की कार्रवाई के बाद सरकार पर चौतरफा दबाव बनने लगा है झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में एक अच्छा मैसेज देने की उम्मीद जताई है बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि आई ए एस के रांची के डीसी रहते आपके सत्ता संरक्षण में जितने भी जमीन घोटाला हुए हैं उसमें यह अफसर आपका साझेदार और राजदार भी है सीएम को संबोधित करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि सेना जैसी संस्था की जमीन बेचने वाले इस अवसर को आप बिना विलम्ब कठोर दंड देकर देश दुनिया को एक अच्छा मैसेज देने का काम करें साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर आपकी संलिप्तता के आरोप में दम है तो फिर आपका भगवान ही मालिक है धन्यवाद